नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं, साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने एक बार फिर कहा है कि हेमंत सोरेन ने हमेशा संघर्ष से लड़ना सीखा है, कभी उसके सामने झुके नहीं। गुरुवार की शाम उन्होंने अपने पति के एक्स हैंडल पर भावुक पोस्ट किया। यह जिक्र किया है कि कैसे उनके पति ने कोरोना काल में बाहर के दो कमरों में रहकर कामकाज निपटाया है। उन्होंने लिखा है कि कोरोना के समय सभी और भय का माहौल था, लॉकडाउन का फैसला हुआ तो जिम्मेदारी संभालते हुए हेमंत को 2 महीने ही हुए थे। लोगों की फिक्र थी और अन्य राज्यों में रह रहे झारखंडियों तक मदद पहुँचाने की भी जिम्मेदारी थी। वे हर रोज सुबह से देर शाम तक अधिकारियों से जानकारी लेते रहते थे, सुबह 4 बजे तक जरूरी फाइलें निपटाया करते थे। उन 3-4 महीनों में कल्पना सोरेन ने कहा कि पहले चरण के उन 3-4 महीनों में उन्होंने और बच्चों ने शायद ही हेमंत के साथ इत्मीनान से एक दिन भी बिताया होगा। हमें सुरक्षित रखने के लिए खुद को आवास के बाहरी हिस्से में बने 2 कमरों में सीमित कर लिया था। भाजपा के बड़े बड़े नेता घर बैठ गए थे और खुद को सिर्फ सोशल मीडिया एवं चिट्ठियों पत्रियों तक सीमित कर लिया था। वहीं हेमंत और झामुमो व गठबंधन सरकार का हर जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता लोगों के बीच थे। हमने अपने 2 जुझारू नेताओं को खोया। राज्य में हजारों दीदी किचन, उन्होंने कहा राज्य में हजारों दीदी किचन की मदद से पूरे राज्य में भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई थी। पूर्व की सरकार में जहां राज्य के माथे पर भूख से कई मौतों का कलंक लगा, वहीं कोरोना जैसी विकट बीमारी में हेमंत के नेतृत्व में सरकार ने लाखों लोगों के जीवन और जीविका का विशेष ध्यान रखा। हेमंत सोरेन, झामुमो और गठबंधन सरकार के सभी लोगों के इस संवेदना और संघर्षशीलता ने पूरे देश को दिखाया है कि व्यक्तिगत कठिनाइयों के बावजूद कैसे राज्यवासियों की सेवा की जानी चाहिए।